बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हम भी घी बनाने लगे हैं। ये घी डाल रही हूँ, हाँ जी ये हमारे प्याज कटे पड़े हैं और ये हरी मिर्च और टमाटर हैं और ये भिंडी है। प्याज डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से आ रही हो? आप ही बुला रही है ना आपको? चलो बाहर आप ही के पास चलो। अल्लाह रिजा जेने को बीमार ने हस्पताल ने जा रहे थे कुछ देश ऊपर देश ने अल्लाह की जात अपनी इच्छा माने च रखी उन्होंने लंबी उम्र करे अल्लाह उन्होंने शफा दे खुदावन करीम जेडे बे औलाद ने अल्लाह की जात उन्होंने नेक औलाद तो नवाजे जिड़िया बच्चिया के रिश्ते नहीं आते अल्लाह की जात उन्होंने नेक रिश्ते अता करे जेडे घरों बेघर ने उन्होंने घर मिले जिन्होंने कारोबार नहीं अल्लाह की जात उन्होंने कारोबार दे रहे दुनिया भुखी मरण रही है तड़फन रही है दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह की जात तक अपने समान बोलो। फ्रेंड्स कैसे हो आप? कैसी हो आप? बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने भी खाना बनाना है? हाँ नहीं कहते जी कहते हैं। हाथ जल गया ना भाई? गर्म है पीछे और जो हाथ जल जाएगा पीछे और जो मेरा बेटा आज जल जाएगा। चैनल को कामयाब कर जी। नानो भाई बोलो। मैं बोला प्यारी प्यारी फैमिली बेवा औरा था किसी का सहारा कोई नहीं महीना हो गया वीडियो छड़ी हुई नहीं कि मेरे को गुंजाइश ही नहीं कि मैं मतलब कोई सब्जी पाइए ही लै लवान दवाइया जी पैसे पूरे हो जाते ने कभी कुछ बना ला कभी कुछ बना के सेल कर ला पैसे आते जड़े हूँ मैं तबीयत ही महीना हो गया खराब रही बीच फिर छड़ दी वीडियो कल फिर शुरू की जी तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह वास्ते वाली मेहनत मेरे चैनल में जरूर वेख्या करो तो लाइक शेयर करया करो सब्सक्राइब करया करो थोड़ी बड़ी मेहरबानी। आयशा नहीं करो इधर आ जाओ। मेहनत ही कर सकनी है और मैं की करो भिंडियां भी है फ्राई करनी है नाल नाल हो जाएगी फ्राई करनी मिर्च ही करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये जी टमाटर है हरी मिर्च है पहले जी काली मिर्च पाई है आ जी पीसा धनिया आ हल्दी आ नमक आ लाल मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमान
सब कुछ आप अपने टेस्ट के मुताबिक हसबे जायका डाल सकती हैं। कुछ लोग टेस्ट तीखा खाते हैं, कुछ फीका खाते हैं, हम लोग नॉर्मल खाते हैं, इसलिए फिर हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। घी कम लग रहा था अम्मी को, इसलिए अम्मी ने उसमें घी थोड़ा सा और ऐड किया है। ये मसाला बन चुका है, अब इसमें भिंडियाँ डाल रहे हैं। वैसे एक्चुअली हम भिंडियाँ लैदा फ्राई करते हैं, लेकिन आज अम्मी ने कहा कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से पकाते हैं और इस तरीके से पका के भी टेस्ट चेक करते हैं कि कैसे बनती है। ये सालन हमारा पक चुका है। रोटियां भी तैयार हो गई हैं, ये सालन भी तैयार हो गया। देखो कैसा मजे का है। प्याज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़िंदगी रही तो कल को नहीं रहती है। साथ मिलेंगे, अल्लाह भी।